टिकट काउंटर स्कैन करके यहाँ से टिकट ले सकते हैं। तो भाई ये हमने ले लिया टिकट। वो हमें मिल चुकी है। ये है हमारे सुपर हीरो पूरा आर्मर बाबू राय की ना तीन बंदूकें ये वाली है। ये देखिए कितनी भारी शील्ड है। ये है फीमेल कॉस्ट्यूम। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये ना मम्मी है। ये देखिए बना रखी है पर उसमें जब लाइटिंग पड़ती है ना तो यार लाइटिंग का क्रेज बहुत। ये गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो जयपुर घूम रहा था और मॉर्निंग यहाँ पे हमारी हो गई भाई लेट। अराउंड टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं और देख रहा था यार नियर बाय यहाँ पे घूमने के लिए कौन कौन सी जगहें हैं एंड आपको शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन भी। तो अभी मैंने गूगल पर सर्च करा यहाँ पर अल्बर्ट कोई म्यूज़ियम है तो उसको देखते हैं। वैसे शायद नाइट शो होता है यहाँ पे, लाइटिंग का कुछ रहता है बट रात को यहाँ पे होंगे नहीं होंगे पता नहीं क्या सीन हो सकता है। तो दिन में आ गए हैं, दिन में देखते हैं यहाँ पे क्या है सीन, टिकट्स का क्या सीन है और दिखाते हैं आपको क्या क्या सीन है। उससे पहले चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। लाइक चलो जल्दी से पहुंचते हैं अल्बर्ट म्यूजियम। सामने देखिए भाई दिख गया, मौसम देख रहे हो क्या मस्त हो रहा है ना। और तिरंगा लहराते हुए सब ले जा रहे हैं भाई सड़कों पे तिरंगा फहराते हुए। सामने देखिए वो रहा म्यूजियम। तो भाई क्या ही म्यूजियम बनाया है। तो ये यहाँ पे है ऑडियो गाइड, अगर आपको ऑडियो गाइड लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये है टिकट काउंटर, आपको टिकट के प्राइजेस बताता हूँ एंड यहाँ पे ना आप स्कैन भी कर सकते हैं टिकट। सो हियर इज़ द बारकोड, आप इसको मतलब डायरेक्टली आप स्कैन करके यहाँ से टिकट ले सकते हैं। और टिकट के प्राइजेस भाई ये है, देखिए इंडियंस के लिए 52 रुपीज़, इंडियन स्टूडेंट अगर 22। एंट्री फॉर चिल्ड्रन अप टू 7 ईयर्स। चलो भाई टिकट ले लिया 52 रुपीज़ की और ये स्कैन कर रहे थे बट ना पर्टिकुलर कुछ बैंक के थ्रू ये पेमेंट गेटवे जो था कुछ बैंक्स के थ्रू था लाइक स्टेट बैंक पंजाब नेशनल, तो उन सब के कार्ड अपने पास थे नहीं तो हमने काउंटर से ले लिया। तो भाई ये हमने ले लिया टिकट 2% 104 रुपीज़ की। चलिए यहाँ घूमना है अब 104 रुपये में यहाँ पे घूमना है। यहाँ पे होगी चेकिंग होगी, अभी देखते हैं यार कैमरा ले जाने देते हैं नहीं देते वो सब मुझे भी पता नहीं, आगे चल के पता चलेगा आपको भी बताता हूँ। सो गाइस एंट्री ले लिया एंड सामने का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है, सारे अपने इंडियन फ्लैग। तो देखिए ये है मेन एंट्रेंस और यहाँ से एंट्री हमें करनी है। वैसे तो यार मैंने पुलिस वालों से पूछा यहाँ पे ना कैमरा अलाउड नहीं है, तो पता नहीं भाई गोप्रो को अलाउ करेंगे नहीं करेंगे और देखेंगे यार थोड़ा बहुत तो शूट कर लेंगे फ़ोन में भी, पता नहीं भाई फ़ोन से तो क्या ही शूट हो पाएगा बट गोप्रो से थोड़ा सही शूट हो जाता है, वाइड एंगल आ जाता है। ये देखिए पूरे फ्रेम में कितना बढ़िया लग रहा है ना। चलिए भाई स्टार्टिंग में ना वहाँ पे चेकिंग है, पुलिस वाले खड़े हैं तो देखते हैं भाई, उन्होंने देख तो लिया है कि कैमरे से शूट कर रहे हैं तो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे देखिए देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो यार कैमरा के लिए वैसे मना कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये है एंट्री, यहाँ पर ना आपकी जो टिकट होगी वो पंच होगी और यहाँ पर उसके बाद आपने एंट्री करनी है। एंट्री करते ही ये देखिए यार महाराजा बाहू सिंह, महाराजा जय सिंह, तो ये सारे महाराजा ओके डिटेल्स हैं। चलिए अब यहाँ से चलते हैं अंदर और यहाँ देखते हैं भाई म्यूज़ियम के अंदर, इस म्यूज़ियम में क्या है। ऊपर देखिए झूमर ओके ये रहा,
महीना यहाँ पे। ये कालीन दिखे यार, अब कालीन भाई ये होंगे राजा महाराजाओं के ही कालीन होंगे। तो देख लो भाई, राजा महाराजाओं के कालीनों के लिए भी अलग सा एक म्यूज़ियम बना दिया पूरा। तो ये जी है बुद्धा जी नेपाल, और ये देखिए बुद्धा जी की, ये ब्रांस की लग रही है मुझे, शायद ब्रांस की मूर्ति होगी। तो यहाँ पे कुछ मेंशन तो नहीं कर रखा। ये देखिए, ये है ना जो सारी जापानीज़ कलाकारी है, ये देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है जापान की कला जापानीज़ आर्ट। तो ये सारी जापान की कला है। ये देखिए भाई, ये समझ आ रहा क्या है? ये देखिए भाई, ये रहा घंटा है, तो टन टन बजाओ, छुट्टी हो गई। ये देखिए, ये है इतनी बड़ी सुराही, और इस मेन ये सुराही मैटर नहीं करती है, जो इसके ऊपर कला बनी हुई है ना भाई, वो देखो यार, वो बहुत अच्छी है। ये देखिए, ये देख रहे हैं पत्थर की कलाकारी है सारी, और इसके बारे में ये लिखा हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे ना एक और चीज़ भी है, अगर आपने इनकी ऑडियो फैसिलिटी ले रखी है तो यहाँ पे आपको ना बताएगा इस पत्थर के बारे में। एंड ये वाली कितनी प्यारी लग रही है ना मूर्ति। नो स्मोकिंग। ये देखिए जी, ये है तीर कमान, देख रहे हो कैसा है। तो यहाँ पे ना सारी पुरानी पुरानी चीजें, ये देखो चक्कू अलग अलग डिजाइन के भाई, ये देखिए ये बड़ी बड़ी तलवार है, पर ना इनमें अभी भी बहुत धार दिख रही है। बट यार अगेन, ALBERT के म्यूजियम में ये सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें क्या कर रही है? यहाँ है वो, हमें मिल चुकी है। तो जी ये है हमारे सुपर हीरो, पूरा आर्मर्स वगैरह लगा रखे है लेवल 3 के। बाबू राय के ना तीन बंदों के ये वाली है भाई, ये वाली मिल गई, एक छोटी बड़ी और एक बड़ी सबसे बड़ी। ये देखिए भाई, म्यूजियम में मिला इतना पुराना हुक्का, पता नहीं कितने साल पुराना होगा, इसके बारे में ना यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, देख लो भाई। सो इस म्यूजियम में ना ये देखिए, सो इस म्यूजियम में ना बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, एंड पुराने ज़माने के जो अपने वेपन्स होते हैं ना, पुराने ज़माने के वेपन्स, तो वो सारे के सारे यहाँ पे हैं, जो भी युद्ध में यूज़ हुए होंगे। और यहाँ पे ये देखो, ये सुराइयाँ अलग अलग, कुछ आर्मर्स भी हैं, तो जितने भी युद्ध में वार में यूज़ आने वाली चीज़ें थी ना, तोप होगी, बंदूक होगी, तलवार होगी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो वो सारी के सारी यहाँ पे रखी हुई हैं। ये देखिए कितनी भारी शील्ड है, एंड अगर आज ऐसे शील्ड देना चाहे ना, तो भाई पता नहीं आज की ये हमारे पुलिस वाले आर्मी इनको यूज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई बहुत हैवी होता होगा यार, ये बहुत हैवी होगा। यहाँ पर ना वेट नहीं लिखा हुआ, अदरवाइज़ पता चल पाता तो कुछ वेट का भी हम नॉलेज ले पाते। और ये 19th century AD। ओके, तो अभी फर्स्ट फ्लोर हमने, सॉरी ग्राउंड फ्लोर कर लिया, अभी फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं भाई क्या है। सो ये है देखिए, ये कॉस्ट्यूम है राजा महाराजा के, यहाँ पे नीचे तो पजामा है, ऊपर वाले को कि भाई क्या लिखा हुआ है, अंगारखी पजामा, ये है कॉस्ट्यूम, और ये है स्टॉल, ये है फीमेल कॉस्ट्यूम, ये देखिए ये फीमेल कॉस्ट्यूम है। एंड ये सब पता नहीं भाई ये सब क्या है, सी ब्लॉक प्रिंट्स,
ये बेडशीट सा लग रहा है कुछ। कि ये ना जैन मंदिर का मॉडल कुछ इस तरह से दिखता है, ये है स्ट्रक्चर जैन मंदिर का। और अगर हम एक पिक्चर में अल्बर्ट की पूरी बिल्डिंग देखें ये वाली, तो ये देखिए ये है ऊपर वाली। यार फ्लोर में पता नहीं हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, चलो देखते हैं भाई। यहाँ पे देखिए ये ना मम्मी है, ये देखिए बहुत पुरानी मम्मी है यार, ये बहुत पुरानी है। 300 एक मिनट, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लिखा होगा। सो ये देखिए 322-230 BC was found at। एंड ये देखिए ये है संगीत प्रेमियों के लिए, ये छोटा सितार है, ये इकतार है और अलग अलग नाम है, मुझे कुछ नाम कुछ के पता है कुछ के नहीं पता। ये देखिए ये गिटार है एंड यहाँ पे तबला, ये देखिए भाई ये तबला है, ये ना करनाई है, ये ढोल है, ये बड़ा ढोल है एंड ये देख लो भाई देख लो पहले कैसे होता था यार ये तरंग, आज का तो अलग ही होता है भाई। ओ ये देखो भाई हाय, ये देखे ना ये देखो भाई ये वीणा बहुत अच्छी आवाज आती है। देखिए भाई अब ये पता नहीं यार ये राजा महाराजा मतलब कैसे बैठते होंगे, ये है क्या ये तो पता नहीं, एक बार ट्राई करते हैं भाई कुछ लिखा हो तो। अच्छा सैंपल है ये कुछ, ओके तो एक सैंपल बग्गी सी बना रखी है पर अच्छी लग रही है। ये देखिए भाई ये यहाँ पे जो हम दशहरे के टाइम में पहनते ना मुकुट, वो देखिए पहले कैसे होते थे, पहले ना ऐसे पहनते थे। जी भाई कुछ दो फॉरनर्स वहाँ बैठ के कुछ राजस्थानी कल्चर मतलब डांस देख रहे हैं, वहाँ पे डांस है और ढोलक वोल बज रहा है, हारमोनियम बजा रहे हैं तो वो वहाँ पे। बट भाई पुलिस वाले ना हमें यहाँ पे सुनने नहीं दे रहे हैं। और वो देखो वो डॉल वाला डांस। तो ये ना 7 डे ओपन रहता है, मतलब कभी बंद नहीं होता, 15 अगस्त के दिन भी ओपन रहता है। तो यहाँ से यही इन्फॉर्मेशन मिली है सी। फॉरनर्स ना एंजॉय लेते हुए अपने यहाँ के सॉन्ग का केसरिया तेरा सॉन्ग। तो यार 2 घंटे ना यहाँ पे आपको घूमने के लिए इनफ है, 2 घंटे में ना आप घूम लोगे, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। तो यहाँ पे ना यार मैंने सोचा था अगर अल्बर्ट नाम दिया हुआ है तो शायद कुछ मतलब साइंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस राजा महाराजाओं के पुराने वेपन्स हो गए या उनके पुराने आर्ट्स हैं, कला है और ड्रेसेस हैं, उनके वेपन्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यही सब है भाई, तो इतना ही कहूँगा यार। अगर आप यहाँ पे आए हो और आपको पुरानी चीज़ों से देखना चाहते हो या आपको भी प्यार है पुरानी चीज़ों से तो आ जाइए। 50-52 रुपये की टिकट है, ऑनलाइन लेते हैं तो 50 रुपये है, अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो आपको 52 रुपीज़ की टिकट मिल जाएगी। और 2 घंटे मैक्सिमम बहुत है भैया, क्योंकि 2 ही फ्लोर हैं तो 2 घंटे मैक्सिमम आपको टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यार ये था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। एंड जो भी यार जयपुर घूमने का प्लान कर रहा है, नियर बाय देख रहा है भाई प्लेसेस शॉर्ट टाइम के लिए कम टाइम के लिए, तो मैं बस ये कहूँगा कि यहाँ पे आ जाइए। एंड वैसे तो ना जयपुर में आप जहाँ पे भी जाएंगे तो रात को आपको अच्छा दिखेगा, तो यहाँ पे भी आप आइए, इवनिंग के टाइम आइए, अराउंड मतलब 4 बजे के आसपास आ जाओ तो थोड़ा सा मतलब शाम हो जाएगी ना, यहाँ पे लाइटिंग हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। यार यही था इस वीडियो में, चलिए बाय। तो टिकट के प्राइसेस मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिए थे। इंडियंस अगर आप स्टूडेंट हैं तो 22 रुपये है और अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो 52 रुपीज़ है। एंड यहाँ पे ना
365 दिन ओपन रहता है और सातों दिन ओपन रहता है, कोई क्लोज नहीं है, कोई वीकली क्लोज नहीं है। एंड टाइमिंग्स की बात करें, टाइमिंग्स 9 बजे से लेके 8:30 बजे ओपन रहता है। तो एज सच मुझे ना एक ना यहाँ पे लाइटिंग शो वगैरह कुछ भी नहीं है, बट जब रात हो जाती है ना तो थोड़ा सा रात को यहाँ पे लाइटिंग का जो मतलब मार्बल्स में जब लाइटिंग पड़ती है ना तो यार लाइटिंग का क्रेज़ बहुत अच्छा आता है, तो वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इवनिंग के टाइम में आएँ तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सही होगा, मौसम भी सही रहेगा और आप थोड़ा सा ना लाइटिंग का भी एंजॉय ले पाओगे।